हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं कॉलेज टूर में। तो कहाँ आए हैं आप लोग गेस करो। तो मैं बता देती हूँ, हम लोग आए हैं मायापुर इस्कॉन टेम्पल। मेन गेट से एंटर करते ही राइट साइड में बहुत सारे कपड़े की दुकान है। फिर ये देखो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम। चलो इसके राइट लेफ्ट सारे साइड से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बोलना। तो देख सकते हो घाट के ऊपर, मतलब पीछे से दिखा जा रही है शिला प्रभुनाथे पुष्प समाधि। तो ये सिर्फ मैंने पीछे से कैप्चर कर पाई। आप लोग एक बार देख सकते हो कि यहाँ के व्यू कितने अच्छे हैं और यहाँ की सब कुछ कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। मंदिर के अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं मंदिर के अंदर की वीडियो नहीं ले पाई। फिर हम मंदिर के अंदर से पूजा करके बाहर आके लंच करने जा रहे थे। हम लोग जा रहे हैं लंच करने गौदा भवन में। सुना है बहुत अच्छी लंच मिलती है, तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे लंच करने जा रहे थे। तो आप लोग गौदा भवन के अंदर की कुछ व्यू आप लोग देखो। हम जहाँ पे लंच मिलती है तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए, लेकिन यहाँ की मतलब बाहर सब कुछ सब लोगों को जूते बाहर छोड़ के अंदर जाना पड़ता है, तो हम लोग सब लोग ऐसे ही जूते बाहर छोड़ रहे हैं। तो आप लोग जस्ट देखो कि यहाँ की व्यू कितनी अच्छी है, कितनी ऑसम है। सब कुछ पेड़ पौधे फूल जस्ट ऑसम है, क्या बताओ आप लोगों को। ये देख सकते हो ये बिल्डिंग, यहाँ पे शायद लोग रहते भी है। और यहाँ पे लाइन देके खाना पड़ता है, तो सब लोग लाइन देके वेट कर रही है लंच करने के लिए। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए कूपन देती है, तो देख सकते हो। फिर फाइनली हमारे भी बारी आ गया खाना खाने के लिए, तो हम लाइन देके अंदर जा रहे थे, देख सकते हो आप लोग। तो फिर यहाँ पे प्लेट में खाना मिलती है, तो देख सकते हो कि खीर, पनीर की एक सब्ज़ी, लूची मतलब पूरी सब्ज़ी, दाल और ऐसे राइस, सादा राइस दिया था। खाने में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा पेट भरा हुआ था तो हम ज़्यादा खा नहीं पाए। सब लोग देख सकते हो बैठ के हम लोग यहाँ पे खाना खा रही है। फिर खाना खाने के बाद यहीं से हम मतलब बाहर जाना पड़ता है, तो सब लोग यहीं पे हाथ धोते हैं। और यहीं पे जो खाना नहीं खा पाते, बाकी के जो खाना एक्स्ट्रा होते हैं सब लोग फेंक देते हैं। फिर आया शॉपिंग टाइम लंच के बाद। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे घाघरा चूड़नी साड़ी कुर्ती सब कुछ बहुत अच्छी मिल रही थी। आप लोग यहाँ की कलेक्शन देख के ही देख सकते हो, मतलब वीडियो में ही देख सकते हो कि बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, बहुत कम प्राइस में ही मिल रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड ये लाल कलर की जो घाघरा है वो उसने लिया, उसे बहुत पसंद आई ये। अब बस यहाँ की कलेक्शन देखो जस्ट ऑसम है, सब कुछ ऑसम है। तो आप लोग यहाँ हैंडमेड बैग की कलेक्शन भी देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है मायापुर टूरिज्म सेंटर। तो हम यहीं पे ख़त्म होती है सारे जो शॉप हैं, तो हम लोग अब बाहर जा रही है गौदा भवन के। फिर बाहर आके देख सकते हो यहाँ भी पेड़ पौधे फूल से कितनी अच्छे से सब कुछ डेकोरेट है। फिर हम लोग यहाँ से फ्रूट जूस पी रहे थे, मतलब सब लोग, सब बहुत गर्मी थी इसीलिए। तो गाइस यही होती है एंड। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मायापुर जगह आप भी घूमने आइएगा, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को मैं जस्ट बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है यहाँ।
और गाइस कौन कौन यहाँ पे आए हैं ये कमेंट करके तो ज़रूर बताना, और अगर वीडियो तो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ये तो भूली गई थी, शिला प्रभुनाथेर पुष्प समाधि सामने से मैंने पीछे से दिखाया था, तो ये सामने से मैंने इसका वीडियो ले पाई। ये शायद बंद था तो इसीलिए हम यहाँ के पे अंदर नहीं जा पा रहे थे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी शेयर भी कर देना ताकि वो भी देख पाए।